दोस्तों नमस्कार, सटीक सोच में आपका स्वागत है। आज हम एक महान शख्स के बारे में बात करने जा रहे हैं जिनकी संघर्ष गाथा शायद ही आपने सुनी हो। तो ध्यान दें, ध्यान से सुने और अंत तक हमारे साथ बने रहे। आज हम बात करने वाले ऐसे शख्स की जिन्होंने उस उम्र में बिजनेस चालू किया जिस उम्र से लोगों की कुशलता ढलने लगती है, पर उस इंसान ने अपनी उम्र का विचार करने की जगह अपना सपना पूरा करने पर लक्ष्य केंद्रित किया और इतिहास रचा। दाढ़ी यानी जिलेट ये समीकरण तैयार किया। उस शख्स का नाम है किंग कैप जिलेट, जिलेट कंपनी के फाउंडर। उनका जन्म 5 जनवरी 1855 में यूएस में हुआ था और 46 साल की उम्र में उन्होंने अपना बिजनेस चालू किया। किशोर अवस्था से ही जिलेट को कुछ नया खोज करने की तीव्र मंशा थी, पर खोजे कैसे? इस कल्पना के सुझाव के लिए उन्हें दिमागी शब्दकोश का कई बार उपयोग करना पड़ा। उसमें से कुछ शब्द पढ़कर कुछ तो सुझाव मिलेगा ऐसा उन्हें लगता था। एक दिन दाढ़ी करते वक्त उनके मन में सेफ्टी ब्लेड की और उसको रखने के लिए वैसा ही सेफ्टी रेजर बनाने की कल्पना आई। फिर क्या, तुरंत ही इस कल्पना पर काम करना उन्होंने चालू किया। उन्होंने बहुत प्रयोग करके पतले पत्तियों के स्टील ब्लेड का एक पैटर्न तैयार किया और उसे लेके विशेषज्ञ लोगों के पास सलाह मांगने चले गए। स्टील के इतने पतले पत्तों से दाढ़ी करने बराबर धार लगाना पॉसिबल नहीं होगा ऐसा ओपिनियन विशेषज्ञों ने दिया, पर जिलेट जी ने अपना प्रयास नहीं छोड़ा। एक दिन वो अपने ब्लेड और रेजर के डिजाइन को लेकर बोस्टन के एक मशीनिस्ट के पास चले गए। स्टीवन पोर्टर नाम के उस टेक्नीशियन ने उन्हें बखूबी 3 रेजर्स और कुछ ब्लेड्स तैयार करके दिए। जिलेट का सपना सच होने की कगार पर था, पर अभी उन्हें बहुत संघर्ष करना था, क्योंकि वो कहते हैं ना, द ग्रेटेस्ट कैरेक्टर इज बिल्ड इन एडवर्सिटी। इसका मतलब है सबसे बड़ा चरित्र संकट में ही निर्माण होता है। रेजर्स और ब्लेड को बड़ी मात्रा में तैयार करने के लिए लगने वाली मशीन्स को उन्हें बनाना था और उसके लिए उनके पास पैसे नहीं थे। विलियम निकर्सन नाम का एक व्यवसायी ऐसी मशीन बनाकर देने के लिए तैयार हो गया, पर उसने खुद को पार्टनर लेने की शर्त जिलेट के सामने रखी। पर उसके बाद भी बड़ी मात्रा में उत्पादन करने के लिए बहुत सारे पैसों की जरूरत थी। 1901 में जैसी चाहिए वैसी मशीन बनकर तैयार हुई, परंतु उसके लिए इतना खर्चा आया कि जिलेट उसमें ही कर्जदार बन गए। ये जिलेट के लिए एक मुश्किल समय था, क्योंकि अपने पैसे वसूलने के लिए लोग उनके घर के सामने लाइन लगाते थे, पर वादे के अलावा जिलेट उन्हें कुछ नहीं दे सकते थे। 1902 में बोस्टन के जॉन जॉइस इस अमीर व्यक्ति के पास जिलेट मदद मांगने चले गए। जॉन जॉइस ने उन्हें उनकी कंपनी के बॉन्ड जारी करने की सलाह दी और उन्होंने वो बॉन्ड कम कीमत में खुद खरीद लिए और जिलेट को पैसे दिए। आखिरकार जिलेट की पैसों की समस्या समाप्त हो गई। रेजर्स और ब्लेड्स बिकने के लिए तैयार हो गए, पर समस्या अभी समाप्त नहीं हुई थी, क्योंकि बाजार में उनके रेजर्स को कुछ खास प्रतिक्रिया नहीं मिली। पहले साल में केवल 51 रेजर्स बेचे गए। फिर कुछ महीनों बाद 1904 में अमेरिकन पेटेंट विभाग द्वारा जिलेट को रेजर पैटर्न प्रदान किया और जिलेट की किस्मत बदल गई। पेटेंट मिलने के बाद उन्होंने गांव-गांव के दुकानों में रेजर्स बेचने के लिए रखे। उसका रिजल्ट अच्छा आया, फिर उन्हें पीछे मुड़ने की आवश्यकता नहीं पड़ी। उन्हें इतनी सफलता मिली कि उनका बिजनेस 200 से भी ज्यादा देशों में फैल गया। बहुत संघर्ष करने के बाद उनका सपना आखिर पूरा हुआ। उनका दुनिया भर में नाम भी हुआ और वो अमीर भी बने। तो दोस्तों, ये थी संघर्ष गाथा एक महान इंसान की, जिन्होंने इतना नाम कमाया कि दाढ़ी यानी जिलेट ये समीकरण तैयार हो गया। आई होप आपको ये वीडियो पसंद आई होगी। अगर आई है तो लाइक और शेयर जरूर कीजिए, और हाँ, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना न भूलें, और ऐसे ही प्रेरित वीडियो के लिए बेल आइकन दबाकर हमारे साथ बने रहे। धन्यवाद।